एडमिशन सो so, आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेथोलॉजी के ट्वेंटी ट्वेंटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जैसे कि प्रीवियस सेशन में मैंने आपके साथ ट्वेंटी ट्वेंटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ डिस्कस किया था और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आज के सेशन में मैंने उसको कवर करने की कोशिश करी हूँ काफी सिंपल लैंग्वेज में काफी सिंपल वे में सारी चीजें सारे आपके साथ शेयर कर रखा है मैंने तो अच्छी तरीके से आपको इस वीडियो को देख लेना है आपके जो भी डाउट्स है आपके जो भी क्वेरीज है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो तो जैसे कि आप सभी को पता है फिफ्टी मार्क्स आपका रिसर्च मेथडोलॉजी पर होता है और एग्जामिनेशन को भी आपको पास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में 50 एमसी आपको करेक्ट मार्क कर कर आना है तो हमारे कोर्स में हम आपको पासिंग मार्क्स की गारंटी देते हैं तो जैसे कि आप स्क्रीन पर नीचे देख सकते हो रिसर्च मेटलॉजी तो का आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है और आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं सो लेट्स बिगिन विद इन सेशन तो जैसे कि आपको पता है इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है आपका ये रिसर्च मेथडलॉजी पर बेस्ड होता है आपका पेपर वन और सेक्शन ए जो होता है आपका रिसर्च मेथडलॉजी पर बेस्ड होता है जिसमें आपको 50 एमसीक्यूज सी पूछा जाता है फॉर 50 मार्क्स याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग नहीं है फिफ्टी एमसीक्यूज सी पूछा जाएगा आपको रिसर्च मेथडलॉजी पर और एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम फिफ्टी मार्क्स स्कोर करना ही है तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हम आपको रिसर्च मेथडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स आपको हम गाइड करते हैं टाइम टू टाइम हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं हमारे इस कोर्स में कि आप एटलीस्ट आप पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको ठीक है तो यहाँ पर हमारे कोर्स में हम आपको पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर करने की गारंटी देते हैं तो आपको याद रखना है हमारे कोर्स में आपको हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं वीडियो लेक्चर जो कि थ्योरी और एमसी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं नोट्स और रिवीजन पीडीएफ और ये सारा जो कंटेंट है आपको बायोलिंग लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने मिलता है तो जैसे कि मैंने आपको कहा पासिंग की गारंटी यानी आपको एग्जामिनेशन में पास करने की गारंटी हमारी होती है हमारी टीम जो होती है एक जो एक्सपर्ट्स होते हैं पी स्कॉलर्स है वो आपको हमारे कोर्स को और जो कोर्स के थ्रू है आपकी प्रेपरेशन करने में काफी मदद करेंगे और आपको पास पासिंग मार्क्स तक आप पास हो जाओ इतना आपको गारंटी यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं तो काफी कम फी है

आपके जो जो होती है, आपके जो level of measurements होते हैं, उसके फोर टाइप्स होते हैं आपको इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखना है नॉयर सो एन फो नॉमिनल ओफो ऑर्डिनल इंटरवल एंड फोर रेशो इस तरीके से आपको इस शॉर्ट फॉर्म से आपके फोर लेवल ऑफ मेजरमेंट याद रखनी है नॉमिनल so, स्केल क्या होती है जिसमें आपके पास जो भी डेटा होता है आप उनको उसके फीचर्स उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड करते हो उसको कैटेगराइज करते हो उसी तरीके से ऑर्डिनल ऑर्डिनल में आप सेम नॉमिनल की तरह करते हो और एज वेल एज आप क्या करते हो आपके पास जो भी डेटा है उसको एक ऑर्डर में अरेंज करते हो आप रैंक देते हो देन इंटरवल में आप ऑर्डिनल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करते हो और इंटरवल में आपके पास जो भी नंबर्स होता है आप उसको एक इक्वल इंटरवल्स में अरेंज करते हो एंड देन याद रखिएगा इंटरवल में आपका जो जीरो होता है वो आर्बिट्री होता है आपके जीरो जो होता है आर्बिट्री होता है इंटरवल में आपके जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है उसी तरीके से रेशो रेशो में आपके इंटरवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एज वेल एज आपका रेशो में जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है इसीलिए हम रेशो को कहते हैं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है हाईएस्ट स्केल ऑफ मेजरमेंट होती है जिस तरीके से जीरो का मीनिंग होता है मतलब जैसे रेशो में अगर हम देखेंगे कि किसी की एज किसी की एज जीरो है मतलब वो पर्सन वो इंसान उस दिन पैदा हुआ था उसकी उस दिन बर्थ बर्थ हुई है ओके सो रेशो में आपके जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है उसी तरीके से इंटरवल में आपके जीरो का कुछ मीनिंग नहीं होता है आपका जीरो आर्बिट्री होता है सो so, ये सारे होते हैं आपके फोर स्केल ऑफ मेजरमेंट सो फोर स्केल ऑफ मेजरमेंट के सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख रहे हो रेशो में होता है इसीलिए रेशो को हम कहते हैं हाइएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट दैट्स वाई अब आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी रेशो नेक्स्ट उट करना टाइप टू एर ये टर्म यूज uh, में आया है इस टर्म का मतलब क्या होता है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए सो so याद रखियेगा रिसर्चर जब अपनी रिसर्च में हाइपोथिस को टेस्ट करते रिसर्चर पहले अपनी रिसर्च में हाइपोथिस को टेस्ट करते है तो रिसर्चर्स से हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है सो उसी मिस्टेक्स को हम कहते हैं एरर्स उसी तरीके से एरर्स के भी टाइप होते हैं टाइप वन एरर टाइप वन एरर एंड टाइप टू एरर अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि टाइप टू एरर को और हम क्या कहते हैं सो याद रखिएगा टाइप टू एरर को हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव अब जैसे कि इस टेबल से आपको याद रखना है कि टाइप वन एंड टाइप टू एरर क्या होता है और टाइप वन एरर और टाइप टू एरर को और हम क्या कहते हैं तो so, टाइप एरर कब होता है जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है फिर भी आप उसको रिजेक्ट करते हो तो वो हो जाती है आपकी टाइप वन एरर और टाइप टू एरर कब आकर होता है जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है फॉल्स होने के बावजूद आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तब वो हो जाता है आपका टाइप टू एरर ओके Then, अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है type two error है? Type two error है? कि कब कब होता होता जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है फिर भी आप उसको accept करते हो, तब इनकरेक्ट है, so, है, है मतलब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है ये नेगेटिव है और आपने क्या कर लिया यहाँ पर आपका डिसीजन क्या था इनकरेक्ट डिसीजन था आपका डिसीजन रॉन्ग था मतलब ये ऑलरेडी आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी लेकिन फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लिया तो आपका जो डिसीजन था यहाँ पर ये यह फॉल्स था इसीलिए टाइप एरर को हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव उसी तरीके से टाइप वन एरर का भी आप देख लीजिए एग्जाम में टाइप वन एरर इज ऑल्सो नोने ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स पॉजिटिव अब टाइप वन एरर को हम फॉल्स पॉजिटिव क्यों कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखिए आपकी जो नल हाइपोथेसिस होती है वो ट्रू होती है फिर भी आप उसको रिजेक्ट करते हो तब आपको होता है टाइप वन एरर तो यहाँ पर आपकी जो नल हाइपोथेसिस ट्रू है मतलब ये पॉजिटिव सेंस कर रहा है आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन आपने यहाँ पर कैसा डिसीजन ले लिया इनकरेक्ट डिसीजन ले लिया फॉल्स डिसीजन ले लिया ट्रू होने के बाद भी आपने इसको रिजेक्ट कर दिया तो आपका डिसीजन फॉल्स था तो टाइप वन एरर को हम कहते हैं टाइप वन एरर को हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव एंड टाइप टू एरर इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव तो आपको ये रिलेशन ये, याद रखना है टाइप वन एरर को और हम क्या कहते हैं एंड टाइप एरर को और हम क्या कहते हैं तो so, ये एग्जाम में आने के चांसेस है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो टाइप टू एरर इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट बीच ऑफ द मेजर पर्पज ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च

So, ये होती है आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मेन पर्पज मेन एम होता है कि आपके जो करंट अफेयर्स है मतलब जो प्रेजेंट में जो आपका फेनोमेना अकर हो रहा है आप उसको डिस्क्राइब करते हो सो so, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर एड एग्जिस्ट एट प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट में जो फेनोमेना अकर हो रहा है आप उसको ऑब्जर्व करके आप उसको डिस्क्राइब करते हो जैसे मान लीजिए कोई मार्केटिंग मार्केटिंग है तो आपकी याद रखिएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ज्यादातर मार्केटिंग में यूज होती है जैसे मार्केटिंग में आपका जो शेयर है वो कम ज्यादा हो रहा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए किसी कंपनी का प्रॉफिट आज गेन हुआ है तो so, उसी को ऑब्जर्व करके आपने क्या किया उस फेनोमिना को डिस्क्राइब कर दिया सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मेन पर्पज यही होता है जो प्रेजेंट में जो अकर हो रहा है जो जो प्रेजेंट में हमारे करंट अफेयर्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज करते हैं सो so, यहाँ पर आपको ऑप्शन भी करेक्ट हो गया देन हम रिमेनिंग ऑप्शन भी देख लेते हैं ऑप्शन ए एनालिसिस ऑफ फैक्ट फैक्ट को एनालाइज करने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च

कोई क्वांटिटी को मेजर करना नहीं होता है बल्कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मेन पर्पज होता है किसी करंट अफेयर्स को आप डिस्क्राइब करते हो तो so, यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन डी इट रिलाइज ऑन एक्सप्रेशन और ऑब्जर्वेशन अलोन सिर्फ आप ऑब्जर्वेशन नहीं करते हो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में किसी चीजों को ऑब्जर्व कर आप उस फेनोमेना को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हो सो so, यहाँ पर so, आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट है सो मेन पर्पज आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का होता है जब भी आपके करंट अफेयर्स है जब भी आपके प्रेजेंट में फिनोमिना अकर हो रहा है आप उसको डिस्क्राइब करते हो सो so, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट उट करने में रिजल्ट कि कि आ रहे हैं उसको है, आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कुछ गेसिस कर रहे हो कि ऐसा हो सकता है ऐसा रिजल्ट आ सकते हैं सो so उस चीज को हम क्या कहते हैं सो so उससे हम कहते हैं रिसर्च हाइपोथिस अब हाइपोथिस क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए हाइपोथिस एक टेंटिटिव बेस्ड मतलब होता, होता है अब टेंटेटिव स्टेटमेंट कैसा हो सकता है मान लीजिए कोई डिसीज है जैसे लंग डिज है लंग डिज के अगेंस्ट मैंने कोई ड्रग फॉर्म किया

So, ये होता है prediction. और prediction हम safe, और research prediction और हम में करते ताकि उनके जो research के हैं उनको वो कुछ guess कर सके उस पर कोई प्रिडिक कर सके सो so, वो रिसर्च हाइपोथेसिस में करते हैं सो so, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं जैसे ऑप्शन ए आपको गिवन है रिसर्च डिजाइन रिसर्च डिजाइन जिसे हम ब्लू प्रिंट भी कहते हैं याद रखिएगा रिसर्च डिजाइन को हम ब्लू प्रिंट भी कहते हैं अब रिसर्च डिजाइन क्या होती है जिसमें रिसर्चर प्लानिंग करते हैं कि उनके रिसर्च में किस तरीके से वो डेटा कलेक्ट करेंगे कहाँ से सैंपल सेलेक्ट करेंगे किस तरीके से वो आ, इंटरव्यू लेंगे किस तरीके से उनका डेटा कलेक्ट करेंगे किस पॉपुलेशन से वो डेटा कलेक्ट करेंगे तो बेसिकली रिसर्च डिजाइन में रिसर्च प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से वो अपनी रिसर्च को परफॉर्म करेंगे सो रिसर्च डिजाइन में रिसर्च कोई प्रिडिक्शन और गेसेस नहीं करते so, पर आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट है देन ऑप्शन बी रिसर्च क्वेश्चन रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा अगेन रिसर्च क्वेश्चन में आप कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते आपका क्वेश्चन जिस क्वेश्चन पर आप रिसर्च परफॉर्म कर रहे हो जैसे मेरा क्वेश्चन था मैं जैसे मेरा यहाँ पर आ, मेरा एम था कि मैं लंग्स डिजीज के अगेंस्ट ड्रग को फॉर्म करूं सो रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा मेरा इस केस में कि एक्स वाई जेड जो ड्रग है सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड ड्रग्स एंड लंग डिजीज ये ड्रग और लंग डिसीज के बीच में जो रिलेशन है वो मुझे फाइंड आउट करना है कि ये ड्रग लेने से लंग डिसीज क्योर हो रही है या फिर नहीं सो so, ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन होगा रिसर्च क्वेश्चन में मैं कोई और गेसेस नहीं कर सकती हूँ so, यहाँ पर आपको ऑप्शन बी भी, भी इनकरेक्ट है देन ऑप्शन सी रिसर्च ऑब्जेक्टिव रिसर्च ऑब्जेक्टिव मतलब आपका एम क्या है रिसर्च का आप क्यों रिसर्च करना चाहते हो सो so, रिसर्च ऑब्जेक्टिव में भी अगेन आप कोई प्रिडिक्शन और गैसेस नहीं करते हो उस यहाँ पर अभी आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी रिसर्च हाइपोथिस Next, in which of the following non-random sampling techniques does a researcher ask participants participants? to identify other potential research आउट करना है ऐसी नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक जिसमें रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स कहते हैं कि तुम खुद जाओ और पार्टिसिपेंट्स और को कलेक्ट कर कर लाओ और पार्टिसिपेंट्स को पार्ट करने के लिए कहो इस रिसर्च स्टडी में So, वो होता है आपका स्नो बॉल सैंपलिंग अब स्नो बॉल सैंपलिंग क्या होता है हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं जैसे ये मान लीजिए ये रिसर्चर है ये आपका रिसर्चर है अब रिसर्चर ने रिसर्चर को कोई दो पर्सन पता थे इन दो पर्सन को रिसर्चर ने चूज कर लिया क्योंकि रिसर्चर यहाँ पर किस टॉपिक पर स्टडी कर रहे थे कि जो लोग ड्रग कंज्यूम करते हैं अब ड्रग लेना ये क्राइम है तो जाहिर सी बात है लोग खुद से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे सो so, को कोई एक दो लोग मिल गया देन इन दो लोगों से रिसर्चर ने कहा कि तुम और ऐसे पार्टिसिपेंट्स को कलेक्ट कर कर लाओ और ऐसे पर्सन को कलेक्ट कर कर लाओ जो ड्रग कंज्यूम करते हो जो ड्रग लेते हो सो so, ये दोनों लोग क्या करेंगे और लोगों को कलेक्ट कर कर लाएंगे और पार्टिसिपेंट्स को ढूंढ कर लाएंगे क्योंकि जो ड्रग लेते हैं सो so, इस तरीके से स्नोबॉल सैंपलिंग में रिसर्चर अपने जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हीं को कहते हैं कि और पार्टिसिपेंट्स को कर लाओ जो हमारे जो रिसर्च रिसर्च है उस स्टडी में में और रिसर्च में पार्ट पार्टिसिपेंट्स कर सके सो so इस तरीके से आपका स्नोबॉल सैंपलिंग में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हीं को रिसर्चर कहते हैं कि और पार्टिसिपेंट्स को कलेक्ट कर कर लाओ सो so ये होता है आपका स्नोबॉल सैंपलिंग अब स्नोबॉल सैंपलिंग ये किस तरीके से हम इसे स्नोबॉल क्यों कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए जैसे आपने देखा होगा अगर कोई हाई हाई पॉइंट से अगर आप स्नो स्नो का जो बॉल होता है अगर आप उसको हाई पॉइंट से फेंकते हो तो ये जो स्नो का बॉल होता है अपने साथ और स्नो कनेक्ट कर कर लाता है और ये एक बड़ा सा बॉल बन जाता है इसी तरीके से स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या होता है रिसर्चर के पास बहुत कम लोग होते हैं देन यही लोग और लोगों को कलेक्ट कर कर लाते हैं तो ये एक बड़ा सर्कल बन जाता है बहुत सारे लोग हो जाते हैं उसी तरीके से स्नोबॉल सैंपलिंग में पहले बहुत कम होते हैं फिर इसी तरीके से स्नो जब हाई पॉइंट से नीचे उतरता है नीचे आता है तो वो स्नो और अपने साथ और स्नो को कलेक्ट कर कर लाता है इसी तरीके से इसीलिए इस सैंपलिंग का नाम हो गया आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग सैंपलिंग तो याद रखिएगा स्नोबॉल सैम्पलिंग सैंपलिंग में रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स को ही कहते हैं कि खुद वो और पार्टिसिपेंट्स को कलेक्ट कर कर लाए सो so, यहाँ पर मेजर रोल पार्टिसिपेंट्स का होता है क्योंकि वो और दूसरे पार्टिसिपेंट्स को कलेक्ट कर कर लाते हैं सो so, उसे हम कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग बाकी कन्वीनियंस पर्पज और कोटा सैम्पलिंग में मेजर रोल आपका रिसर्चर हो का होता है दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बी एंड सी तीनों बी इन करेक्ट हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी स्नोबॉल सैम्पलिंग नेक्स्ट

सो so, ये आपका ये तो प्लेजरिज्म होता है सो so, इसे हम प्लेजरिज्म करेंगे सो so, पर ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन बी यूजिंग द द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ ऑथर आप किसी ऑथर ने कोई कंटेंट लिखा है आप उसी कंटेंट को एग्जैक्ट वर्ड्स में लिख रहे हो सो so, ये भी आपका प्लेजरिज्म होगा मतलब आपने यहाँ पर कॉपी कर लिया सो so, इसे भी हम प्लेजरिज्म कहते हैं सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन सी यूजिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दस वर्क इज रिगार्डेड एस कॉमन नॉलेज इन दिसिप्लिन सो यस इसे हम प्लेज नहीं कहेंगे सो ऑप्शन सी हमें क्या बता रहा है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक कॉमन नॉलेज में बेस्ड हो जैसे ह्यूमन्स uh, है okay? मतलब हम लोगों के पास ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बींग्स के पास दो आईज होती है सो so, ये एक कॉमन नॉलेज ये किसी को भी पता है अगर आप ये इंफॉर्मेशन ले रहे हो सो so, इसको हम प्लेजरिज्म नहीं कहेंगे ह्यूमन बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू लिव ह्यूमन बॉडी को ऑक्सीजन के बिना ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बींग जिंदा नहीं रह सकते सो so, ये सारी जो चीजें है ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी जो नॉलेज है ये कॉमन है अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन अपने रिसर्च में यूज कर रहे हैं सो so इसे हम प्लेजरिज्म प्लेजरिज्मर नहीं करते हैं सो so yes, यस पर आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यूजिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑथर्स वर्क दैट इज रिगार्डेड एज कॉमन नॉलेज इन द डिसिप्लिन सो किसी ऐसे किसी ऑथर का वर्क अगर आप ले रहे हो जो कि कॉमन नॉलेज पर बेस्ड हो तो उससे हम प्लेजरिज्म कंसिडर नहीं करेंगे सो so, यहाँ पर आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट इफ अ पॉजिटिवलीस्ट्रीब्यूशन हैज मीडियम ऑफ 50, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि अगर आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या होता है आपको इस फिगर के थ्रू देखना है सो so, इस फिगर में हमारा मेन फोकस पॉजिटिव स्क्यू पर होगा पॉजिटिव स्क्यू क्या होता है जिसमें आपकी जो टेल होती है डिस्ट्रीब्यूशन की ये लेफ्ट साइड में रिल्टेड होती है और आपका जो ज्यादातर डेटा है आपका इस रीजन में लाइक करता है मतलब राइट right साइड में लाइक करता है इसीलिए हम इसको कहते हैं पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन अब पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे कम आपकी मोड की वैल्यू होती है देन उससे ज्यादा आपकी मीडियन की वैल्यू होगी एंड देन से ज्यादा आपकी मीन की वैल्यू होगी आपको ये रिलेशन याद रखना है अब मीडियन हमें इस क्वेश्चन में मीडियन की वैल्यू गिवन है विच इज फिफ्टी मीडियन की वैल्यू फिफ्टी गिवन है सो इस केस में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा हमें जो गिवन ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अब वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए मीन इज ग्रेटर देन 50। यस yes, क्योंकि मीन की वैल्यू पॉजिटिव स्क्यू में मीन की वैल्यू सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी तो हो सकता है होगा ही क्योंकि मीडियन से बड़ा मीन है सो so, मीडियन की जो भी वैल्यू है उससे ज्यादा मीन की होगी सो मीन इज ग्रेटर देन 50 यस yes, मीन आपका जो है क्या हो सकता है फिफ्टी से बड़ा हो सकता है ऑप्शन ए करेक्ट है देखते हैं, मीन इज लेस देन फिफ्टी नो मीन ऑब्वियसली ग्रेटर होगा सो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी इन करेक्ट है देन ऑप्शन सी मोड इज ग्रेटर देन फिफ्टी मोड ग्रेटर नहीं होगा मोड लेस होगा बिकॉज पहले मोड की सबसे लोवेस्ट वैल्यू होती है आपकी पॉजिटिव स्क्यू में इसलिए मोड की वैल्यू ग्रेटर नहीं होगी आपकी मोड की वैल्यू लेस देन 50 होगी सो so, पर आपको ऑप्शन सी इनकरेक्ट है देन ऑप्शन डी मीन एंड मोड बोथ आर ग्रेटर ग्रेटर देन 50 यस yes, मीन तो आपका जो है ये ग्रेटर देन फिफ्टी होगा लेकिन मोड मोड नहीं होगा सो so, यहाँ पर आपको ऑप्शन डी भी ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो जाएगा So, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए मीन इज ग्रेटर देन पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट गुड रिसर्च इज इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है अच्छी रिसर्च क्या होगी सो so, याद रखिएगा जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है या फिर रिसर्च से रिसर्च की डेफिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है सो so आपको याद रखिएगा एक गुड रिसर्च एक अच्छी रिसर्च के लिए आपको ये तीन वर्ड्स कभी नहीं भूलना है इज इज फर्स्ट सिस्टमैटिक Second is scientific. Third is okay? so, आपकी रिसोर्च सिस्टमैटिक होनी चाहिए साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव अब सिस्टमैटिक क्या होता है कि आपको आपकी रिसोर्च में कोई स्टेप प्रॉपर स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं आप किसी भी एग्जैक्ट मैनर में नहीं चल सकते हो आपकी जो रिसर्च है उसमें आपको सिस्टमैटिक मैनर में रिसर्च परफॉर्म करना है स्टेप्स फॉलो करना है लॉजिक होने चाहिए आपके स्टेप्स में इसीलिए हम कहते हैं गुड रिसर्च इज लॉजिकल और सिस्टमैटिक लॉजिक इस तरीके से होना चाहिए जैसे आप मान लीजिए कोई आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो लैब में अगर आप स्ट्रोंग एसिड ले रहे हो स्ट्रोंग एसिड से आप रिएक्ट कर रहे हो कोई चीज तो आपको ही लेना है मतलब एक लॉजिक है आप अगर स्ट्रोंग से वीक को रिएक्ट करोगे तो so, ये लॉजिक के अनलॉजिकल हो जाएगा ये लॉजिक नहीं होगा सो so, इस तरीके से आपको कुछ लॉजिक फॉलो करना है आपके जो स्टेप्स है मैनर में कुछ कुछ यूज कर रहे कर उसका लॉजिक होना चाहिए साइंटिफिक जैसे साइंटिफिक वे से साइंटिफिक प्रिंसिपल का आपको यूज करना चाहिए आपके रिसर्च में इसीलिए हम रिसर्च को कहते हैं कि वो आपकी रिसर्च लॉजिक होंगे लॉजिक पर बेस्ड होना चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव मतलब आपको आपके रिसर्च में जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं आपको एज इट इज मेंशन करना चाहिए अब मान लीजिए कोई ड्रग्स पर मैं रिसर्च कर रही हो सो ड्रग का मुझे रिजल्ट आ रहा है कि 90 परसेंट पर्सन जो है 90 परसेंट पीपल जो है वो पर्टिकुलर कोई ड्रग लिया उन्होंने और वो क्योर है लेकिन

रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट so, स्टेप आपका क्या होता है किसी भी तभी तो आप रिसर्च कर पाओगे क्योंकि रिसर्च किस चीज पर होती है प्रॉब्लम पर ही रिसर्च होती है जैसे किसी भी प्रॉब्लम पर आप रिसर्च कर, कर रहे हो कोई ड्रग के अगेंस्ट कोई डिसीज के अगेंस्ट ड्रग फॉर्म कर रहे हो वैक्सीन डेवलप कर रहे हो कोई सोसाइटी सोसाइटी uh, से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है सो so, ये सारी प्रॉब्लम पर ही आप रिसर्च परफॉर्म करते हो सो so, किसी भी रिसर्च का फर्स्ट स्टेप होता है कि आपकी प्रॉब्लम कर लो कि किस पर आप रिसर्च परफॉर्म करने वाले हो सो सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कलेक्शन ऑफ डेटा ये आपके लेटर स्टेप्स में आता है समराइजिंग डेटा ये भी आपके लेटर स्टेप्स में आता है देन उसके बाद आप डेटा एडिट करते हो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए उसको हम डिलीट कर देते हो सो so, ये तीनों भी आपके लेटर स्टेप्स में आ जाएंगे रिसर्च प्रोसेस के लेकिन रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमें आउट करना है कि अगर आपका जो distribution है वो पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में आपके जो एक्सट्रीम वैल्यूज है ज्यादातर वैल्यूज किस रीजन में लाइक करती है क्या लेफ्ट टेल में लाइक करती है राइट right टेल में मिडल में या फिर कहीं भी हमें ये फाइंड आउट करना है तो जैसे कि इस डायग्राम को आपको याद रखना है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम एग्जाम में आपको इस डायग्राम को अगर आप याद रखोगे तो एग्जाम में आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे so, इस पे आपको में one or two पूछे ही जाते हैं तो so, आपको ये डायग्राम प्रॉपरली याद करके अच्छी तरीके से याद कर कर जाना है सो पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू में हम डिफरेंस भी देख लेते हैं इसी डायग्राम में so, आपको ये रिलेशन याद रखना है कि पॉजिटिव स्क्यू में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेल होती है ये लेफ्ट साइड में झुकी हुई होती है और नेगेटिव में राइट right साइड पर पॉजिटिव स्क्यू में जैसे मैंने आपसे कहा था मोड मोड की सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है देन मीडियन एंड देन मीन उसी तरीके से नेगेटिव में सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है आपकी मीन देन मीडियन एंड देन लास्ट इज मोड अब इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि आपका जो जो पॉजिटिव स्क्यू है उसमें आपकी जो values, मतलब आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज वैल्यूज मतलब ज्यादातर किस रीजन में लाइक करती है सो राइट टेल में सो so टेल क्या होता है आपकी ये जो एंड एंडमार लाइक कर रही है एंड पर जो लाई कर रही है उसे हम टेल कहते हैं तो टेल आपका जो आप देख रहे हो यहाँ पर राइट right साइड में ज्यादा झुका हुआ है मतलब राइट right साइड में जो आपका ज्यादातर डेटा ज्यादातर वैल्यूज आपकी राइट right साइड में लाइक कर रही है इसीलिए तो आपका जो मीन है ये इस रीजन में लाइक कर रहा है मतलब आपकी जो एवरेज वैल्यू है मीन क्या होता है एवरेज वैल्यू आपका इस रीजन रीजन में में लाइक कर रहा है इस में आपका मीन लाइक कर रहा है बिकॉज इस रीजन में आपका ज्यादातर डेटा इस रीजन में आपका एक्सट्रीम वैल्यूज आपकी इस रीजन में है सो so याद रखियेगा पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है वो राइट right टेल पर प्रेजेंट होती है उसी तरीके से नेगेटिव स्क्यूब में आपकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज होगी ये लेफ्ट साइड में मतलब लेफ्ट टेल पर होगी ओके okay? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो जो मीन है ये लेफ्ट साइड पर है क्योंकि ज्यादातर आपका डेटा इस रीजन में है इसीलिए मीन की मतलब एवरेज वैल्यू ज्यादातर इस रीजन में है लाई कर रही है इसलिए आपका मीन इस रीजन में फॉल कर रहा है ओके okay? सो so, याद रखिएगा पॉजिटिव स्क्यू में आपकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब ज्यादातर वैल्यूज आपकी किस रीजन में लाइ करेगी राइट टेल राइट टेल पर आपकी ज्यादातर वैल्यूज राइट टेल पर पॉजिटिव स्क्यू में लाइक करेगी और नेगेटिव स्क्यू में लेफ्ट टेल पर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर पॉजिटिव स्क्यू में आपकी राइट टेल पर ज्यादातर वैल्यूज लाइक करेगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी यू टूमोरो